दुनिया भर में मुज़ाकरात के देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है आप लोगों के? जी अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक है ना? माशाल्लाह लगदा इन इलेक्शन जी हरे ने प्यारी जी दाढ़ी माशाल्लाह, वेस्टकोट पतली जी, पतला लख, फारूक स्टार दे गजल लग रहे जी। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਰੈਸਲ ਕਰ। अच्छा, इसके तड़पने से मुझे याद आया जी, एक दफा अपने पापा से कहते हैं, पापा ये तड़पना क्या होता है? उन्होंने इसका वाईफाई बंद किया, कहना हुण पता लग गया। मैं अकरम भाई नु मैं क्या यार, हेलमेट ते बीवी च कोई फर्क नहीं, दोवां नु सिर ते रखो ते बचे रहोगे। अगले दिन मोटरसाइकिल ते जा रहे ते बीवी सिर ते बन्नी। मैं क्या यह की कीता ही, कहना यार हेलमेट गवाच गया, फिर मैं तेरी गल याद आ गई। अकरम साहब ने एक बंदा कहता कि तुसी बहुत प्यारे जे, एक घर जे इन्होंने शीशा वेख्या, फिर गए ने मूँह धो के शीशा वेख्या, फिर रेग माल मार के शीशा वेख्या, फिर उस बंदे ने ब्लॉक करता। कहते को मजाक की भी हद होंगी। भाई आप कैसे भी हैं और आप चाहे बहुत कम बोलते हैं लेकिन उसके बावजूद आपकी वजह से बड़ी रौनक लगी रहती है। एक ऐसे उम्मीदवार जो कि कराची के हलके से हारे लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत हिट थे और आम फैम पाकिस्तानी भी अब उनकी शक्ल से वाकिफ हो चुका है, आप सबकी तालियों में जनाब जिब्रान नासिर। खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हुई है, एक बड़ी जबरदस्त अदाकारा है, साथ ही साथ शी इज वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस हु इज वेरी वोकल विद हर ओपिनियंस और वो जो महसूस करती हैं उसके बारे में बहुत जोरों शोर से बात भी करती हैं और ड्रामे भी बड़े चुन के करती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई मैसेज पुट अक्रॉस हो रहा। आप सबकी तालियों में मोहतरमा मंशा पाशा। शेर मेहमानों वास्ते नहीं बल्कि पाकिस्तान का शेर है, किसे वास्ते है? अच्छा। कल मैं मोटरसाइकिल खड़ी कीती पंप ते। कल मैं मोटरसाइकिल खड़ी कीती पंप ते। लख दी लानत डोनाल्ड ट्रंप ते। आप अमेरिका से तालीम हासिल करके आई यहाँ पे जी, मीडिया की तालीम हासिल की जी, एक्ट्रेस बनने का ख्याल कहाँ से आया? मुझे तो आया ही नहीं, बाकी सबको आया, उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हें बनना चाहिए तो मैं बन गई। और आप मान गई? हाँ। इतनी जल्दी मान जाती हैं आप? हाँ। ये वैसे कमाल आपने किया। तो वैसे पर्सनली आप क्या, व्हेन यू वर स्टडीइंग, क्या सोचती थी कि डायरेक्टर बनेंगी? हाँ, समथिंग बिहाइंड द कैमरा, आई थॉट मे बी आपकी तरह राइटिंग और प्रोड्यूसिंग और कुछ ऐसे ही सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था। बचपन में मुझे जरा नौटंकी करने का शौक था। अच्छा। लेकिन बड़े होके नहीं। बचपन में जब शौक था तो किसको देख के शौक ज्यादा पैदा हुआ? आईने को। अच्छा। मतलब था कोई अदाकारा है या कोई और है ऐसा जिसको देख के आपको कहती हो कि यार व्हाट अ गुड एक्ट्रेस, तो मैं भी ऐसा करूंगी? मतलब मैं जो चीज देखती थी फिर उसी की मतलब कॉपी करना शुरू हो जाती थी, उसी की जो भी कोई भी कैरेक्टर होता कि कोई भी चीज मुझे अच्छी लगती थी, कार्टून देखती थी बच्ची थी, सो आई वुड इमेजिन कि मैं you know, Little Mermaid हूँ या जो भी कार्टून कैरेक्टर है, हाँ, तो उन्हीं के गाने गाना वही। हाँ। फिर आखिर में लोगों ने आपको कन्विंस किया कि कैमरे के सामने आप आए और आप एक्टिंग करें। बहुत आगे जाके। And are you happy with people's decision? Why not? खुश है तो इधर आई है और मैं पंप लेना है तो। घर वालों को पता है कि आप एक्टिंग भी करती हैं? नहीं, अभी तक छुपा के रखा है। अच्छा, किसी छुपाने छुपाने में आपने फिल्म तक कर दी। लेकिन मंशा पाशा मेरे जैन सी पग बनी होगी, बढ़िया बढ़िया मुछा कई फड़ी होगी, कुट दे आ रहे होंगे, मैं बंदा समझा। वैसे मंशा बड़ा एक और नाम है मंशा पाशा, कि आपको बचपन में भी लगता था, people used to say, friends used to think कि बड़े एक odd नाम है स्कूल के अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत कहते थे, अभी भी कहते हैं कभी कभी, कभी भी कहते हैं कि rhyme करता है नाम मंशा पाशा, थोड़ा sing song है,
कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा नाम है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेम, कुछ लोग कहते हैं मर्दाना नाम है। मंशा, इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग सपोर्ट करते हैं, वाज एक्सपेक्टिंग कि आप सपोर्ट करती हैं पीटीआई को, व्हाई इज इट कि आप नहीं करती? मैं एक वक्त पे करती थी, तीन तलवार पे जो धरना हुआ था, आई थिंक 2014 में, मेरे घर के बहुत करीब है, मैं वहां पे थी भी। जो कि ये बोल रहे हैं, आई मीन आई डोंट नो, एक थोड़ी संजीदा सी बात है, पर इमरान खान का मुझे तो कोई विजन नजर नहीं आता। ही नेवर, उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया कि उनका नया पाकिस्तान क्या है। उन्होंने सिर्फ अपनी एक पॉलिसी बनाई है, नवाज शरीफ को जो है ना बुरा भला कहना, दैट इज नॉट पॉलिसी इन माई ओपिनियन। दैट इज आप कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट बुरा है फॉर एग्जाम्पल, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अच्छे हैं, यू नो, लाइक जस्ट बिकॉज यू आर नॉट करप्ट डजंट मीन यू आर अ गुड लीडर। करप्ट तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कल कल आंखों में खड़ी हो जाऊं तो लोग क्या कहेंगे कि मतलब क्यों खड़े हो रहे। इट्स प्योर पॉलिसी, एंड पॉलिसी से आप कन्विंस नहीं है उनकी। जिब्रान, ये जो अभी बात हुई इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि आप जैसे यंग एक्टिविस्ट को पीटीआई में होना चाहिए था। मेरे ख्याल में नए नौजवान लोगों की हर पार्टी के अंदर गुंजाइश है। मैंने अपने एक मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा था जो कि मुख्तलिफ था बाकी पार्टी से। मैं चाहता था कि हम कम से कम एक अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सियासत का शऊर बढ़ाएं, और मेरी नेक ख्वाहिशात अभी चूँकि पीटीआई जीती है उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि अब मेरा स्टेटस जो है वो आपकी तरह कि हम आम शहरी हैं। अगर खान साहब हुकूमत बनाते हैं और अच्छा काम करते हैं, हम सबको फायदा है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अच्छा काम करें। खुदा ना खास्ता अगर काम नहीं कर पाते तो हम सबको नुकसान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी बात ये होगी कि पीटीआई 5 साल में इतना काम करे कि एक्टिविज्म की जरूरत ना पड़े। मेरा थोड़ा मुसाफर हो गया ना है जी। ओए, ओए, ओए। ओ मिसाल नहीं ने सुनी कौन सी? भाई यारी दोस्ती च मारिया गया। हाँ, हाँ। मैं यारी दोस्ती च मारिया गया वो ना। कैसे? अपना वो नहीं जड़े अमीर तरीन जंगीर तरीन। हाँ। मैनू कॉल की ने, मैनू कहंदे ने काम तू दा मेरे आले पासे। ओके। अच्छा। लोधरा जाके मैं सलूट किया, मैं क्या सारा आर्डर लाओ। हाँ। मैनू कहंदे ने हेलीकॉप्टर कट ते चलिए। मैं क्या हेलीकॉप्टर मैं नहीं चलाना। क्यों? मैंने कहा मैंने क्यों? मैं क्या सर मैं सिगरेट पीनी होगी तो पंखा बंद करना पैंदा। देखो ना, एक अपना आजाद उम्मीदवार ओ जिसरे घर आया ना शाम नु। हाँ। ओ दी वाइफ ने उन्हें क्या कि उन्हें क्या भी एक बंदा कोई पतला सुखा जा। हाँ। ओ कोई 150 चक्कर ला गया जहाज समेत। अच्छा। तो बड़े हैरान हुए भी कौन बंदा हो सकता। हाँ। अचानक फिर मैं पहुंच गया जाके फिर सलाम दुआ हुई। अच्छा। अगली गल बच तुहानू पता बिल्कुल अब तो हमें पता कि बलूचिस्तान दे विच इन्हां दा वजीर आला ते स्पीकर भी इन्हां दा ओदे ते ईरान करनगे भी साडी हुकूमत बन गई। अपना अदबिस्तान सूफिया मैं ड्यूटी की थी ना जी। ओए इन्ना वोट पे उन्हें जिब्रान नासर साहब खड़ा करना। अच्छा। ताकि वोटां दी गिनती सिर ते खलो के करा दे। एडे वेले ने बात हुई जिब्रान नासर से? नहीं नहीं नहीं, उन्हां दा मैनूं फोन नंबर चाहिदा जिहड़ा ओह चुक लैंदे। अच्छा, तो तुसीं फोन चो डायरेक्ट ही गल कर लो। नहीं नहीं, जिब्रान नासर साहब। हाँ, तो यही तो है। यही तो है। कौन? अरे ये बैठे हुए साहब, ओए प्राइमरी स्कूल दे टीचर ने। अरे जिब्रान नासर है ये। ए तो तुम क्या समझ रहे हो? ए हाँ। ही? अरे हाँ यार। हाँ। अरे कमाल है। हाँ, उन्हें तो पूछ लो।
इमरान साहब ने ना उन्होंने जुत्ती भी देनी होंगी ना गिफ्ट ज्वाइन करने में जुत्ती साथ आती है अपने जाति की ख्यालात ने सर किस बारे आप इंटरेस्टेड होंगे खान साहब वाली सीट के ऊपर मेरे ख्याल में खान साहब की पार्टी के लिए वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड लोग काम करते रहे उनके लिए उनका चांस है उनका डिजर्व भी करते हैं और उनको आने आने चाहिए और बहुत सी यूथ कराची में पीटीआई के साथ है जो डिजर्व करते हैं कि उनको मौका मिले चूंकि उन्होंने साल दिए पीटीआई को लेकिन यार बंदे बड़े नाइस हैं बेचारे क्या करें आप अगर नाइस हैं मैं कहना पीटीआई दे शमूलियत करके ना ते ओ तो भाई इलेक्शन लड़न भावे 23 लड़न भावे 24 लड़न भाई मैं यार आप ही रहना ले फोटो लेनी सर उनसे पूछे मुझसे आप जी इजाजत है जी जी पहले थोड़ी काफी ने मेरे को फोटो अच्छा लेकिन मैं कहना कोई फ्रेश हो भाई नाल क्योंकि हम तुम पीटीआई शामिल हो ला थले कर लो तुसी हरे जे एडी भी गल पर इंज नहीं हरे जिमें बाकी लोग हरे जी पूरी इज्जत और एहतराम नाल हरे अगली बार इलेक्शन लड़ना मैं सपोर्टर भी हाँ वोटर भी हाँ पांच साल बाद इंतजार करनी पांच साल ट्रेनिंग करनी जॉगिंग करनी अगर सीधा सीधा टुरदे ना आज कराची होंदे